भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, भज श्री राम। सुगम पंथ मोहि पावई प्राण, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म करत श्रुति रीति, एहि कर फल मुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारति अति मन माही, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मात बंधु पति दे, सब मुहि कह जाने दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में थाके, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, वचन करम मन मोर गति, भजन करही निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, सियावर राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। मुझे कल सूचना मिली, लोकेश भाई बता रहे थे कि जयपुर में श्री राम विवाह के दिन से और 2 मास पर्यंत उत्सव होता है, और आज के दिन श्री दूल्हा दुल्हिन सरकार का अवध आगमन का उत्सव मनाया जाता है, और भक्त के भाव में ही भगवान निवास करते हैं। स्वयं अपने श्रीमुख से भगवान कह रहे हैं, तिन के हृदय कमल महु, करूं सदा विश्राम। तो संयोग से ये आज दिन है, प्रभु के अवध आगमन का उत्सव है, हर्ष और उल्लास से श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो।
सियावर राम जय जय राम। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति सहित हृदय बसो सुरगुरु श्रीमुख से प्रकट करते हैं। उस भक्ति की विधि कारण रहित कृपाल श्री रघुनाथ जी अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं, जिस भक्ति का बल पाके जीव इतना निर्भय इतना निश्चिंत हो जाता है कि उसके उसके सुख का दर्शन करने जगदीश उसके द्वार पर आते हैं। बचन कर मन मोर गति, भजन कर निष्काम तिनके हृदय कमल महु, कर सदा विश्राम। प्रभु ने जो विधि बताई उसकी चर्चा तो हम कल करेंगे, पर यहाँ आज मैं एक बात ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यही वो बल है, यही वो सुख है। कबीर कहते हैं ना, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। अधिकार से कहती है गोपी, भज सखे भवत किंकरी स्मनो, जल रुहाननम चारु दर्शय। आप करिए अब हमारा भजन, यही वो बल है। जगदीश आते हैं धोकर मांज कर, अंतःकरण के पात्र को उज्जवल कर देती है भगवान की भक्ति। एक कबीर साहब का ही शायद शब्द है कि हद को जाने मौलवी, हद को जाने मौलवी और बेहद जाने पीर, हद बेहद से दूर है जाने सोई फकीर। जिसने परम सत्य को जान लिया है फिर उसके पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर पीछे पीछे हरि फिरे। कल मैंने आपको निवेदन किया था, मैंने यही तीन प्रसंग मानस की इस वाटिका से चुने।
कि जब जीव के पास भगवान चल के गए संत की भक्ति की कृपा से, संत की प्रेरणा से, भक्ति की कृपा से। देखिए कल श्री अहिल्या जी का प्रसंग व्यासपीठ ने निवेदन किया, अहिल्या जी द्वारा श्री रघुनाथ जी की जो स्तुति हुई उसमें दो पंक्तियां बताती हैं कि अहिल्या परम भागवत है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ संकर जाना। ये दो पंक्तियां सूचना दे देती है, एक मौन सूचना देती है, अहिल्या परम भागवत है। हे प्रभो धन्यवाद मुनि के श्राप का। मुनि श्राप जो दीना, मेरा बड़ा उपकार किया उन्होंने, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भर लोचन हरि भव मोचन। आज प्रभु नेत्र भरकर आपकी आपकी इस श्रीमुख का, आपके इस श्री विग्रह का दर्शन कर रही हूं मैं। और महादेव मानव जन्म का केवल एक यही लाभ बताते हैं। संत भी कहते हैं ना, सोई रस खान सोई है गमार, जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। तुलसी कहते हैं बड़ी प्यारी बात कि सोम से सील प्रताप दिनेश से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सोम से सील प्रताप दिनेश से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि नारद से वक्ता, और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, पे ऐते पे तुलसी कहा जो भय, जो पे राजीव लोचन राम न जाने हैं। देखो भर लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ संग। ये दो पंक्तियां मुझे सूचना दे जाती है कि अहिल्या के द्वार पर भगवान यूं ही नहीं गए, उसके जन्म जन्मांतर की भक्ति है बाप, उसके जन्म जन्मांतर की भावना है। जिसने जिसने विश्वामित्र के मन में, मुनिराज के मन में प्रेरणा की, हाथ पकड़ कर लाए संत भगवान को। ऐसा ही दूसरा प्रसंग, अहिल्या की भी स्थिति कैसी है, जड़ अहिल्या, अपनी पीड़ा अपनी अपनी वेदना भी जो किसी से न कह सके। आप समझ सकते होंगे कि कितनी बढ़ जाती है पीड़ा जब आप उसे किसी से कह भी ना पाए, जब आप अपने मन की वेदना अभिव्यक्त भी न कर पाए, क्योंकि दुख प्रकट करो तो दुख थोड़ा कम हो जाता है, पर जब आप अपनी पीड़ा अपनी वेदना अभिव्यक्त भी न कर पाए, कितनी बढ़ जाए पीड़ा, कितनी कितनी पीड़ा अहिल्या की कि वो अपनी वेदना बेचारी कह भी नहीं सकती किसी से। अरे और तो और कोई जीव जंतु उस आश्रम की ओर नहीं जाता, नीरव निर्जन नीरस वो स्थान, वहां भगवान जाते हैं चलकर। और ऐसे ही ये केवट जिसे जैसे भजन साधन का अधिकार नहीं देता समाज, जैसे भजन साधन का अधिकार समाज नहीं देता, वेद श्रवण करने का जिसे अधिकार नहीं है, साधन अनुष्ठान करने का जिसे अधिकार नहीं है, कुछ तो रहा होगा भाई उसके हृदय में, कुछ तो रहा होगा उसके हृदय में कि भगवान ने उस केवट के लिए संसार से यह सुनना स्वीकार किया कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव छड़े, जाना था गंगा पार प्रभु,
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। और कैसी सुंदर घटना घटती है, चलकर आए जगदीश जगदम्बा के सहित, और गुरु तत्व संग में है, इष्ट गुरु भक्ति तीनों चल कर गए हैं केवट के पास। और केवट हट पर अड़ा है। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। बड़ी महिमा सुनी है प्रभु मैंने आपकी चरण धूल की, कि जड़ शिला स्त्री हो जाती। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। नहीं प्रभु, पहले आपको चरण धुलाने होंगे। प्रभु को जाने में विलंब हो रहा है, केवट हठ पर अड़ा है, लखन लाल जी को क्रोध आता है। भगवान मुस्कुरा देते हैं, कोई तो भक्ति रही होगी भाई, किसी बात पर रीझ कर तो दयानिधि आज केवट के द्वार पर खड़े होंगे, किसी बात पर तो रीझे होंगे। दे दी प्रभु ने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे पुष्प गगन से ऐसे भक्त के भाग बड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। सांझ ढलने वाली है, प्रभु को यात्रा करनी है, वन का मार्ग है। लखन लाल जी कह रहे अरे शीघ्रता कर, और केवट क्या कहता है, मैंने तो सुना है किसी से, केवट क्या कहता है, हो मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चल। कोई विलंब नहीं है मुझे। लखन लाल जी करे अरे शीघ्रता कर, संध्या होने को है, वन के मार्ग से हमें आगे जाना है। और केवट कहता है नाना मेरी नौका में सीता राम, गंगा मैया धीरे चल। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे पुष्प गगन से ऐसे भक्त के भाग बड़े,
जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, चली नाव गंगा की धारा सिया राम लखन को पार उतारा, प्रभु लगे देने उतराई केवट बोला नहीं रघुराई। अरे प्रभु दे रहे हैं तो ले, जानबूझकर विलंब किए जा रहा है, लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। अरे प्रभु तुझे उतराई देते हैं, अब लेने में विलंब क्यों करता है? केवट कहता है मुझे मेरी जात वाले जात से निकाल देंगे अगर मैंने प्रभु से उतराई ले ली। अगर उतराई ली तो जात वाले जात से निकाल देंगे, ऐसा क्यों? क्या उत्तर देता है केवट? नाई सो ननाई लेत और धोबी ना धुलाई लेत। हे प्रभु, नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता। नाई सोना नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत, तेरे से उतराई लेत, कुटुंब से निकारी हूं मुझे तो मेरे जात वाले बहिष्कार कर देंगे मेरा। प्रभु आपसे मैंने उतराई ले ली तो ऐसा क्यों? आप भी केवट और मैं भी केवट। लक्ष्मण जी का क्रोध और बढ़ा। प्रभु को केवट बताता है, प्रभु को मल्ला बताता है, प्रभु आप भी केवट मैं भी केवट, मैं गंगा पार करता हूं आप भव से पार करते हैं, है तो आप भी केवट मैं भी केवट। चली नाव गंगा की धारा सिया राम लखन को पार उतारा, प्रभु लगे देने उतराई केवट बोला नहीं रघुराई। मैंने तुझको पार किया है तू मुझे पार करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया, वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए केवट उनको नाव चढ़ाए, वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए केवट उनको नाव चढ़ाए, बरसे पुष्प गगन से ऐसे भक्त के भाग बड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जादा था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बरसे पुष्प गगन से ऐसे, बरसे पुष्प गगन से ऐसे, भक्त के भाग बड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और जैसा मैंने निवेदन किया ना बाप, कि इन दोनों प्रसंगों के मूल में विशुद्ध भगवत भक्ति है। अगर अहिल्या भागवत न होती तो कैसे ये रहस्य जान पाती कि देखो भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। भक्ति की अपनी एक कसौटी है, उसका अपना कुछ गुणधर्म है, कुछ लक्षण परिणाम आते हैं भगवत भक्ति के जीवन में। न होती अहिल्या भागवत तो कैसे जानती कि जीवन का परम लाभ मिला। श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। एक बात और मुझे स्मरण आ गई भाई, संत हो ना, संत हो समर्थ हो, इतिहास साक्षी है, शास्त्र पुराण आपको आपको प्रमाण दे देंगे, संत ने यदि कभी किसी को श्राप भी दिया है तो उसको अंत में भगवान जरूर मिले हैं। श्राप का श्राप भी अगर कभी मिला संत से, अंत में भगवान मिले। नारद जी यमलार्जुन को श्राप देते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन होता है, श्री कृष्ण लीला का दर्शन होता है, श्री कृष्ण के शीतल शंतम चारु चरणों का संस्पर्श प्राप्त होता है। तो साधु ते होए न कारज हानि, संत की प्यार में भी प्यार है, उसकी मार में भी प्यार है, उसकी फटकार में भी प्यार है। तो अहिल्या परम भागवत और केवट भी परम भागवत है, इसीलिए भगवान चल के गए। और देखिए त्रिभुवन के पति देना चाह रहे हैं कुछ, प्रभु लगे देने उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। सो तो विनोद की बात है प्रभु, मैं भी केवट आप भी केवट, पर मैंने आपको पार किया है, आप भूल ना जाना, तू मुझे पार करे, घाट तेरे पे जब मैं आऊं तू मुझे पार करे, आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार लगा दिया, मैं जीव हूं प्रभु, एक ना एक दिन किसी ना किसी जन्म में मैं भी आपके घाट पर आऊंगा, उस समय मेरा स्मरण कीजिएगा प्रभु, भूल ना जाइएगा, मुझे पार कर दीजिएगा। सूरदास कहते हैं निपट निगोड़ो पे दास तिहारो, हे नाथ अंत समय सुध लीजियो। जीवन तो प्रभु जैसे कैसे निकल जाएगा, आप अंत समय मेरी सुध लेना। केवट बोला नहीं रघुराई, ये विवेक जो है, ये बुद्धि, ये विवेक जो है, ये केवल और केवल विशुद्ध भक्ति प्रदान करती है कि प्रभु भी देने को आतुर खड़े हैं, सन्मुख हैं, जो चाहे सो मांग ले। वचन भरवा लिया प्रभु से कि प्रभु लौट कर जब आप आएंगे तो मुझे दर्शन देकर ही जाइएगा, लौट कर जब आप आएंगे तो मुझे दर्शन देकर जाइएगा। प्रभु लौटे केवट के पास, पुनः भगवान आए, और जब भगवान पुष्पक विमान पर जा रहे थे अयोध्या, तो केवट ने कहा प्रभु मैं भी अवधपुर का दर्शन करना चाहता हूं, मैं भी अवधपुर का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे भी अपने संग ले लीजिए। भगवान ने विमान में बैठाया, अयोध्या लेकर गए। तुलसी ठीक कहते हैं, तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान, तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। लेकर गए केवट को, पुनः लौट कर आए भगवान अवधपुर, संग केवट गए हैं भगवान के। किसकी महिमा है, भगवत भक्ति की महिमा है। और आप देखिए
मैंने कहा ना, अहिल्या का दर्शन करिए सो जड़ है, कोई साधन नहीं, भजन साधनहीन, केवल एक प्रतीक्षा। केवट देखिए तो उसे साधन का अधिकार ही नहीं, उसे साधन का ही अधिकार नहीं, उसे यज्ञ का अधिकार नहीं है, उसे अनुष्ठान का अधिकार नहीं है, उसे वेद का अधिकार नहीं है, शास्त्र का अधिकार नहीं है, उसके पास क्या है खबर नहीं। मुझे तो लगता है कि भाई दोनों के पास, अहिल्या तो स्वयं स्वीकार करती कि गौतम ने श्राप दिया, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। वहां भी मूल में प्रेरणा कृपा किसी संत की है, और फिर विश्वामित्र प्रभु का कर पकड़ के लेकर जाते हैं, और यहां भी केवट के घाट पर श्री रघुनाथ जी आए हैं, केवट की भक्ति रही होगी। और यदि भक्ति की बात आए, भक्ति मिलती कहां से है, मिले जो संत हुई अनुकूला, केवट पर भी अवश्य कोई ना कोई संत, कोई सदगुरु अनुकूल हुआ होगा, जो केवट ने ऐसी भक्ति पाई जो जगदीश को अपने द्वार पर बुलाया, जगदीश को अपने द्वार पर पाए। तो मानस की इस धारा में श्री गोविंद जी के आंगन में बैठकर आपको मुझे अवगाहन करने का अवसर मिल रहा है। कल विराम का दिन है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा मैं तृतीय प्रसंग के साथ। आज का ये भाव यहीं श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य प्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए, विराजमान महाराज श्री के चरणों में, संत चरणों में प्रणिपात निवेदन करते हुए, आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।